जींद के नागरिक अस्पताल में मंगलवार को विश्व एड्स दिवस के उपलक्ष्य में सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को शारीरिक संबंधों में एड्स से बचाव के लिए जागरूक किया गया। इस मौके पर मौजूद डॉक्टर राजेश भोला ने बताया कि लोगों को एड्स जैसी घातक बीमारी से बचने को लेकर उपाय बताए गए हैं और लोगों द्वारा उन उपायों को जरूर अपने जीवन में अपनाना चाहिए। एड्स इस समाज में बेहद कलंकित व जानलेवा बीमारी है। उन्होंने साथ में यह भी कहा कि एड्स से बचने के लिए सेक्सुअल इंटरकोर्स, इंजेक्शन सिरिंज जैसी चीजों से सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सेमिनार के बाद सीएमओ मंजीत सिंह ने वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो 3 दिन तक लोगों को एड्स जैसी बीमारी से बचने के लिए जागरूक करेगी। देखें जींद से भव्य सैनी की यह रिपोर्ट। वो कैसे होता है, क्या सावधानियां बरतनी है और किस तरह से जो है वो अफेक्टेड पर्सन को हम ट्रीटमेंट तक पहुंचा सकते हैं, इसके स्प्रेड के विषय में लोगों को जागरूक किया गया कि कोई भी जो स्टमक ब्लड है वो उसका इस्तेमाल ना किया जाए। जो ऑथराइज सेंटर है जैसे सिविल हॉस्पिटल जींद का जो ब्लड बैंक है, वहाँ से रक्त लिया जाए जिसमें कि पहले से ही इनकी टेस्टिंग की जाती है, या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स में क्या सावधानी बरतनी चाहिए, या फिर जो सुई और सिरिंज का इस्तेमाल है प्राइवेट डॉक्टर्स द्वारा कई बार, या फिर ड्रग अब्यूज़र जो एक ही सुई को बार बार इस्तेमाल करते हैं, क्या सावधानियां हैं, इस तरह की बातें उनको बताएगी ताकि जो है वो एड्स के ऊपर जो है कंट्रोल किया जाए और इसके स्प्रेड को रोका जा सके। माननीय सिविल सर्जन द्वारा जो है वो हरी झंडी दिखा करके एक वैन को रवाना किया गया, जो अगले 3 दिन तक पूरे शहर के अंदर घूम घूम कर जो है वो अवेयरनेस फैलाती रहेगी। और एक टोल फ्री नंबर भी है, सभी लोगों को बताया गया 1097, जो कि आम जनता कोई भी व्यक्ति अपनी गोपनीयता को बनाते हुए जो है बिना नाम बताए भी किसी तरह की HIV और एड्स के ऊपर अगर जानकारी चाहिए तो वह प्राप्त कर सकता है। थैंक यू सर। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।